व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आज की वीडियो जो है वो बड़ी मज़े की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना जो है वर्डप्रेस का प्लगइन खुद का डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी। सो अगर आपको चैट जीपीटी का नहीं पता तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का टूल है और ये प्रोजेक्ट है ओपन एआई का, जिसको पैक कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। तो इस टूल को यूज़ करते हुए हम जो है कुछ भी प्रोग्रामिंग में हेल्प ले सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ये एक बहुत ही कमाल का टूल है और इसके जो हैं फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। इसके मुकाबले में जो बिंग ने अपनी चैट लॉन्च की है उसमें भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ नहीं है वो, फिर भी ये चैट जीपीटी का नेक्स्ट लेवल है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, यहाँ पर टाइप करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक प्लगइन चाह रहा हूँ जो मुझे एक शॉर्टकट दे जिसको यूज़ करते हुए मैं अपनी पोस्ट के अंदर, वर्डप्रेस की पोस्ट के अंदर इमेज ऐड कर लूँ। एक इमेज मैं सर्वर पर स्टोर करवा दूँगा और वो इमेज का शॉर्टकट मैं यूज़ करूँ और ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो इमेज ऐड कर दे। तो इसको मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ। सबसे पहले क्यूरी देता हूँ राइट वर्डप्रेस प्लगइन प्रोग्राम इमेज कैन ऐड इमेज स्पेसिफिक इमेज बाय यूजिंग शॉर्टकट कोड। कोई ना कोई मसला आ रहा है तो न्यू चैट को ओपन करके देखते हैं, शायद लॉगिन का ना इशू हो, सेशन एक्सपायर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं फिर से। चलें जी, तो आप देख रहे हैं किस तरह से उसने जो है कोड को जनरेट करना शुरू कर दिया है। देखो यार, आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ें इन फ्यूचर कितनी मतलब के इन्वॉल्व हो जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग पहले मजाक समझ रहे थे, लेकिन ये अब मजाक नहीं रहा, ये अब जो है वो हकीकत बनते जा रहा है। तो देखें उसने क्या इंस्ट्रक्शन दिया जी, क्रिएट अ न्यू पीएचपी फाइल नेम्ड इमेज शॉर्टकट डॉट पीएचपी। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये वाली फाइल जो है वो जनरेट कर लेते हैं। चलें जी, ये फाइल बनाते हैं हम अपनी पीएचपी की, उसका नाम रखते हैं ये वाला। ठीक है, ये फाइल क्रिएट होगी और इसकी टाइप जो है पीएचपी है। ओके हो गया। अब क्या कह रहा है वो, कॉपी दिस कोड, इस कोड को कॉपी करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी मुझे जो है मिसिंग लग रही है वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, लेकिन देखते हैं कि चलें ट्राई करते हैं इसको पहले। इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट और इसको कर देते हैं सेव। उसके बाद की इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहा है वो, सेव द फाइल एंड अपलोड इट टू द डब्ल्यू बी कंटेंट्स प्लगइन्स डायरेक्टली टू योर वर्डप्रेस। तो एक्टिवेट द प्लगइन, अच्छा ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसने हमें वो कंप्लीट चीज़ नहीं बताई जो होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम खुद बना लेते हैं, इसका कोई मसला नहीं। ये चीज़
मैंने एक बार क्यूरी लगाई थी कोई और दूसरी वाली, तो उसमें ये प्रॉपर इसने बताया था। क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसलिए वो चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ। ये मैं स्टेप जो है वो खुद ही ऐड कर दूँगा। ठीक है, फोल्डर बनाया। अब जो भी प्लगइन का नेम होगा आपका वो ये वाला होगा। ठीक है, जो भी आप प्लगइन सेक्शन में नेम देखते हैं वो ये वाला होगा। अच्छा, एक्टिवेट द प्लगइन फ्रॉम वर्डपर डैशबोर्ड टू ऐड इमेज इन टू अ पोस्ट, यूज द फ्लोइंग। अच्छा जी, नहीं यार अभी भी इसने काफ़ी ज़्यादा स्टेप जो है वो मिस कर दिए हैं। मतलब कि इमेज का भी नहीं बता रहा, और चलें ट्राई कर लें एक बार इसको, फिर अगर ना हुआ तो दोबारा मैं ये वीडियो को स्टॉप करके नेक्स्ट वीडियो बनाकर तो उसमें दोबारा से बता दूंगा। चलो जो अभी दे रहा है उसको पहले ट्राई कर लेते हैं। कुछ भी नहीं जाता अपना। अच्छा जी, इसको बना लेते हैं हम सेंड टू कंप्रेस्ड। ठीक है, और वर्डप्रेस के अंदर जाकर यहाँ पर हम जो है ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और अपना जो है बनाया हुआ प्लगइन यहाँ पर हम ड्रॉप कर देते हैं। अगेन कोशिश करते हैं ड्रॉप करने की, और देन इसको अब देख रहे हैं कि किस तरह से वो, मतलब कि जो प्लगइन का मैंने कहा था नाम वही होगा, और यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आ गया। तो ये प्लगइन जो है फ़िलहाल एक्टिवेट हो चुका है। देख लेते हैं इसका नाम जो हमने रखा था वो हमें यहाँ पर क्या नाम था, इमेज शॉर्टकट। अच्छा जी, ये है इमेज शॉर्टकट। ठीक है, ये हमने इसका नाम रखा था और एक्टिवेट इसको हमने कर दिया। और इसके बाद की जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है वो कह रहा है कि टू ऐड एन इमेज टू अपोज यू द फ्लोइंग कोड, ये वाला कोड, और रिप्लेस योर इमेज यूर विद द यूआरएल ऑफ योर इमेज एंड योर इमेज ऑल टेक्स्ट विद द ऑल टेक्स्ट सेव्ड। अच्छा, थोड़ा सा इसने मतलब कि चीज़ को कॉम्प्लिकेट किया है। नेक्स्ट टाइम अगर ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो इसके अंदर मतलब कि ये नहीं है कि यूआरएल पेस्ट करने वाला सिस्टम नहीं है, आप डायरेक्ट इमेज को वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये भी है और ये भी ठीक है, मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप प्लगइन डेवलप कर सकते हैं, तो वो ठीक है चीज़। आप यहाँ पर चैट जीपीटी पर अपनी क्यूरी अच्छे से इंसर्ट करें, और ये नहीं कि एक बार दो तीन बार ट्राई करें, वो मतलब कि ये इसको समझ लग जाती है। मतलब छोटा बच्चा ही समझ लें इसको, ज़्यादा प्यार से समझाएंगे तो ये समझ जाएगा, और अगर ज़्यादा जैसे मैंने ज़बरदस्ती वाली बात की तो उसने थोड़ा सा कोड को कॉम्प्लिकेट कर दिया तरीके को, मतलब चीज़ स्टेप्स जो हैं वो कुछ वो मिस कर गया। जैसे कि वर्डप्रेस जो अपना प्लगइन है उसका नाम कैसे रखते हैं, उसको कंप्रेस करके अपलोड करना, ये इसने चीज़ें थोड़ी सी मिस की हैं, लेकिन ये मैंने आपको मैनुअली बता दी हैं। तो चलते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। नई पोस्ट, शॉर्टकट क्या था हमारा, ये वाला। अच्छा, टेस्ट पोस्ट, और यहाँ से मीडिया के अंदर जाकर कोई भी इमेज जो है वो कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये नहीं तो फिर कोई भी कर लें यहाँ से, यार ये वाली कर लेते हैं। जी नहीं जी, पेस्ट करने दे मुझे भाई। अच्छा, इमेज के उसने पीछे लगा दिया है, लेकिन मैं जो जा रहा था वो चीज़ कुछ ऐसे थी। ठीक हो गया, और ऑल टेक्स्ट इसका कोई भी ऐड करते हैं आप। टेस्टिंग वर्डप्रेस प्लगइन, तो इसको अब मैं करता हूँ सेव, और पब्लिश करने के बाद मैं देखता हूँ कि जो हम जैसा
व्यू पोस्ट पे क्लिक करके नए टैब पर जाएंगे और वो इमेज हमें शो होती है कि नहीं। और इमेज हमें शो हो गई है, सेम यही वाली इमेज थी, ये वाली आपके सामने है। इस इमेज का हमने लिंक उठाया और वहाँ पर इसको ऐड किया, ठीक है। और ये जो शॉर्टकट की फंक्शनैलिटी है ये हमें प्लगइन से मिली है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उस प्लगइन को डीएक्टिवेट करूँगा तो ये जो इमेज है ये भी हमें शो होना बंद हो जाएगी। ये वाला प्लगइन हमारा इमेज शॉर्टकट, इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट करने के बाद मैं पोस्ट में जाके पोस्ट को करूँगा रिफ्रेश और वहाँ पर अभी भी इमेज आ रही है। यार एडो एडो रुक जाओ 2 मिनट। कैसे क्लियर करते हैं और आपके सामने है कैश स्टोर था, वो क्लियर किया तो वो ठीक हो गया। अच्छा अब देख रहे हैं आपके, मतलब कि उसने सिर्फ एक कोड को ऐसा टेक्स्ट जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। मतलब कोई वो प्लगइन की फंक्शनलिटी काम कर रही थी, ये शॉर्टकट सिर्फ इसको एक्टिवेट करने के बाद ही काम करेगा। दोबारा से हम इसको एक्टिवेट करेंगे और पेज को करेंगे रिफ्रेश, पहले कर लेंगे थोड़ा सा कैशे को क्लियर क्योंकि कैशे क्लियर करना लाजमी है। और पेज रिफ़्रेश हुआ और ये इमेज हमारी वापस आ गई ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप कोई भी जो है प्लगइन को डेवलप कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। जीपीटी बहुत एक माल की चीज़ है, इसको जो वेब डेवलपर्स हैं स्पेशली इनके लिए तो ये एक मतलब कि बहुत ही बड़ी चीज़ इसको कंसिडर किया जाए। क्योंकि अगर ये चीज़ ठीक है, कोड इतना कोई बड़ा नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कोड्स जो होते हैं उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ हेल्प करती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर।